वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है सुबह वाला अर्घ, तो उसके लिए हम सुबह उठ गए हैं और खाना जो है सब्जी वब्जी बनाना है, झाड़ू पोछा भाभी मारेगी और उसके बाद नहाना है, फिर जाना है छठ घाट। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए और दिखाते हैं और आप सबसे मिलते हैं छठ घाट में। तो यहाँ हम नहा धा के छठ घाट के लिए निकल गए हैं और छठ घाट जाने के बाद देखिए यहाँ पे मम्मी अर्घ देने के लिए चली गई है, थोड़ा लेट हो गया तो फटाफट से अर्घ वर्घ दे लिए, उसका वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि खुद से अर्घ देते हैं कैसे वीडियो बनाते। तो यहाँ पे जो और लोग वीडियो दे रहे हैं अर्घ, वो सबका वीडियो हम बना दिए हैं और यहाँ पे बहुत की चाची लोग सब लोग आई हुई हैं अर्घ देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोग छठ करने लगे हैं, पहले बहुत कम लोग छठ करते थे बट अभी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। और ये छठी मैया का कृपा है कि इतने गर्मी में भी लोग फास्टिंग करके और इतने अच्छे से सब लोग छठ पूजा कर लेते हैं। तो सच बोला जाए तो मतलब सारे लोग सोचते हैं, मेरी मम्मी भी सोच रही थी कैसे करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन बस सब कुछ हो जाता है, अगर एक बार ठान लो तो वो सब गिर जाता है। छठ माँ का आशीर्वाद तो होता ही है। तो प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मेरे को, जैसे सबको सपोर्ट करते हैं वैसे मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए ताकि मेरा भी चैनल ग्रोथ करे और आप लोग के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता आपको पता है। तो प्लीज़ आप सबसे विनती है कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक से और वीडियो देखने से आपका कुछ नहीं हो जाएगा, बस आप किसी का सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम भी इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कर दीजिए आप लोग। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है और सारे लोग पूरा खुश भी हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो जो छठ पूजा होता है ना यहाँ बड़ी भाभी की, देखिए ना हाँ यहाँ भैया मम्मी का हेल्प कर रहा है, तो छोटा वाला भैया है मेरा ये। और यहाँ पे देखिए सारे लोग घुमात कर रहे हैं, तो हम भी हवन कर लिए हैं, मम्मी लोग भी हवन कर रही है, घुमात मतलब घुमात कर रही है। और हम तो खुद जो कर रहे थे उसका खुद से वीडियो नहीं बना सकते थे इसलिए नहीं बनाया, तो मम्मी लोग जो कर रही है उसका वीडियो बना लिया है। तो ये देख सकते हैं कितने लोग हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं, कोई हम हुमात कर रहा है, कोई मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और रियल में देखा जाए तो छठ पूजा होने के बाद जो आज वाला दिन है ना सुबह वाला, यहाँ से छठ घाट जाने के बाद ना पूरा घर सूना सूना लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा घर खाली हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी जो और आंटी दीदी लोग थी सब लोग हवन कर रही थी हुमात। और यहाँ पे हम भाभी कुछ आवाज़ दे रही है किसी को। और ये देख सकते हैं कितने सारे लोग छठ करने वाले भी बहुत लोग आए हैं, बहुत फैमिली वाले सब भी सबके आए हैं और बहुत लोग ऐसे भी आते हैं प्रसाद लेने के लिए आज के दिन, क्योंकि छठ माता का प्रसाद बहुत किस्मत वाले को ही मिलता है, तो सारे लोग प्रसाद लेने आते हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि सब लोग प्रसाद लेने आते हैं। और वैसे देना भी चाहिए सबको प्रसाद, क्योंकि प्रसाद जो होता है सबको बांट के खाने में भी मज़ा आता है ना, किसी चीज़ में नहीं। तो ये अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं घर के लिए, तो ये बाजा वाला जो हम लोग का है वो तो पूरा बजाया जा रहा है। और ये छठ का हमारा जो काम था सब कुछ हो गया, अब हम छठी मैया को विदाई देके और फिर हम लोग निकलेंगे घर की तरफ और यहाँ से अब हम लोग निकलने वाले हैं। वहाँ देख सकते हैं बहुत सारे लोग अर्घ अभी भी दे रहे हैं, तो बहुत गर्मी है, मतलब हम लोग तो पानी पी रहे थे तब भी इतना प्यास लग रहा था और इतना गर्मी लग रहा था, तो सोचिए जो फास्ट किए हैं वो लोग कैसे रह रहे होंगे बाबा, आप लोग के घर पे छठ पूजा कैसे होता है प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा जो खरखाई नदी है यही है हमारा खरखाई नदी, तो ये आप देख सकते हैं इसमें पानी भी अच्छा खासा है और उधर जो फूल वाला काम जो है वो हो रहा है। ये देखिए कितना भीड़ है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट से हमको बहुत हौसला मिलता है और आप लोग एक कमेंट करते हो ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं चलो एक वीडियो पे कमेंट आया है, तो बहुत अच्छा लगता है। और
मेरे को तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कमेंट तो आए मेरा तो वो भी नहीं आता, इसलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा। और यहाँ पे देखिए बाजा वाला जो घर के आने के बाद, तो ये बाजा वाला जो है आज बाजा बजाने लगा, तो उससे इंजॉय करते हैं और आप भी इंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।